नमस्कार दोस्तों, एमएस एक्सेल में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो सीरीज़ उन सभी लोगों के लिए है जो लोग एमआईएस का वर्क एमएस एक्सेल में करना चाहते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास एडवांस एक्सेल के लिए आते हैं, जिनमें उन्हें स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एमआईएस करना होता है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, और बहुत सारी वीडियो आपको मिलने वाली है एमआईएस के ऊपर। मेरा नाम है राजीव मिश्रा, और मैं आप लोगों को ऑनलाइन एक्सेल सिखाने में हेल्प करता हूं। और जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन क्वेरी होगी, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई आपको जितनी जल्दी पॉसिबल हो के दे सकता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए, एमएस एक्सेल स्टार्ट करते हैं। और एमएस एक्सेल में थोड़ा सा जूम कर देते हैं। मान के चलते हैं कि आज आपकी एक्सेल की पहली क्लास है, तो आप क्या सीखना चाहेंगे? बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी। शुरुआत करते हैं ऑटो कंप्लीट से। ऑटो कंप्लीट एक ख़ास तरीके की फ़ीचर एमएस एक्सेल में होती है, जिसको आप सीरीज भी कह सकते हैं, जो रिपीट करती है एक ही तरीके के डेटा को। फॉर एग्ज़ाम्पल संडे, आपने यहाँ पर संडे टाइप किया, और जब आप इसे ड्रैग करते हैं कॉर्नर से, तो ये आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे देता होगा। बड़ा कॉमन है। लेकिन अगर आपने आपकी वर्किंग जो है वो ऑल्टरनेट डेज की है, तो मैं इसको मंडे पर रखता हूँ। मंडे आप ऑफिस आए हैं, मंडे के बाद में आप फिर वेडनेसडे आए हैं, ठीक है, और उसके बाद आप फ्राइडे आएंगे, फिर उसके बाद आप वापस संडे आएंगे। इस तरीके से एक दिन छोड़ करके आप जॉब कर रहे हैं, यानी कि 24 ड्यूटी और 48 ऑफ है आपका। 24 घंटे की ड्यूटी रहेगी, 48 घंटे का ऑफ रहेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मंडे को आपको ऑफिस आना है, फिर वेडनेसडे आप आएंगे, फ्राइडे आएंगे, संडे आएंगे, ट्यूसडे आएंगे, फिर थर्सडे आएंगे। इस तरीके से आपका चलता रहेगा। अगर हम डेट के बारे में बात करें, तो 1-2 अगर हमने इसको दिया, तो ये सीरीज़ में इसको 1-2 लेकर के चलेगा, या इस तरीके से आप ड्रैग कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, नंबर सीरीज़ में आ जाएंगे। हाँ, अगर आप एक दिन छोड़ करके चलते हैं, तो एक दिन छोड़ करके आते हैं, 1-3 आप इसको 5-7-9 इस तरीके से ऑड नंबर पर लेकर के आएंगे। ये मैंने डबल क्लिक किया, और यहाँ पर ये ऑड आ गया, क्योंकि यहाँ तक मैंने डेटा लिया है, इसलिए सीरीज़ यहाँ तक काम कर रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी विड्थ को कम करते हैं, कंट्रोल ए। अभी कंट्रोल ए ने प्रॉपर काम नहीं किया, एक बार फिर से कंट्रोल ए करते हैं, और ये सिलेक्ट ऑल हो गया। किसी भी सेल के बॉर्डर पर आप डबल क्लिक कीजिए, और ये ऑटो फिट हो जाएगा इस तरीके से, ये एडजस्ट हो गया, वरना आप 1 by 1 इसको इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, हम डेट पर चलते हैं, मंथ से ले लेते हैं। मंथ हमारे पास है जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी ऑटोमेटिक रिपीट करेगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं। यहाँ कर्जा लेकर के जाइए, और यहाँ पर आप इसको डबल क्लिक कर दीजिए, नीचे तक ये रिपीट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मंथ में गैप दे सकते हैं, जनवरी अप्रैल, यानी कि हमने यहाँ पर 2 मंथ्स का ब्रेक दिया, फैब और आपका मार्च का, ये देखिए। और यहाँ पर कर्जर आप आराम से लेकर के जाइए, आप अपने लैपटॉप पर कंप्यूटर में साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके ट्रैक कर दीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पर गैप आ रहा है। और यही सारी चीज़ें आप डेट पे भी कर सकते थे, ईयर पे भी कर सकते हैं, 2001, और मैं चाहता हूँ 2002, और इसको आप सीरीज़ बना सकते हैं डबल क्लिक करके या ड्रैग करके। गैप देना चाहें तो पुराने ऑप्शन की तरह ही आप गैप दे सकते हैं, और मैं एक एक बार क्लिक कर रहा हूँ इसको, आप चाहें तो एक साथ कंट्रोल ए करके डबल क्लिक कर सकते हैं। 1990, उसके बाद 2 साल का गैप दे देते हैं, 2, 3, 4 जितना भी आप गैप चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ऑटो कंप्लीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अलग अलग डेटा को तैयार करने में, ठीक है। तो एमआईएस एक्सेल में आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स सीखनी पड़ेगी जिनसे आपका काम बहुत आसान हो, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम यहाँ बहुत सारा कंटेंट एडजस्ट कर रहे थे, और उन सबकी विड्थ जो है वो ज़िगज़ैग थी, कभी आपने टाइप किया उसकी चौड़ाई कम हो गई, ज़्यादा हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक बार में कंट्रोल ए करके
डबल क्लिक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ये सारा डेटा सॉरी एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर डबल क्लिक और ये एडजस्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए, इस सीरीज़ का इस्तेमाल कीजिए। वीडियो नंबर 1 में आपने सीखा किस तरीके से हम ऑटो सीरीज़ ऑटो कंप्लीट का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर डबल क्लिक के इस्तेमाल से अपना जो डेटा सेल में विड्थ वाइज एडजस्ट नहीं हो रहा था उसको ऑटो फिट कैसे करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।